नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां सीधी मामले में सीएम ने एक्शन लिया है। सीधे तौर पर सीधी मामले में सीएम ने एक्शन लिया है। सीधी घटना पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश है घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की बात कही है। महिला डीएसपी को एसआईटी की कमान सौंपी गई है। 9 सदस्यों की एसआईटी जांच करेगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, सीधी मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जांच के लिए कहा है। उनका कहना है कि उच्च स्तरीय जांच हो, कोई भी दुष्कर्म में शामिल आरोपी बख्शा ना जाए। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, और इस पूरे मामले में उन्होंने एसआईटी गठित करने के लिए कह दिया है। तो आपको बता दें, सीधी के मंझौली में आदिवासी छात्राओं से स्कॉलरशिप देने के लालच में गलत काम करने पर मुख्यमंत्री ने सीधा संज्ञान लिया है, और इस मामले में एसआईटी गठित करने के लिए कह दिया है। इस पूरे मामले को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं, और त्वरित कार्रवाई। 9 सदस्य एसआईटी अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हम उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। आदिवासियों को स्कॉलरशिप के नाम पर गलत काम करना उनके साथ, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस पर संज्ञान लिया है। इधर कमलनाथ ने भी कह दिया है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच हो। ब्रजेश जी, कैसे देखे इस खबर को? निश्चित तौर पर पारुल, ये गंभीर घटना है। 7 छात्राओं ने अब तक शिकायत दर्ज कराई है, जो कि रीवा आईजी ने बताया, और मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त निर्देश दिए हैं कार्रवाई करने के, और एक्शन में आ गई है रीवा पुलिस। तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य 2 की भी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही एक 9 सदस्यीय आईटी गठित की गई है जो जांच करेगी। इसमें महिला डीएसपी हैं रोशनी सिंह ठाकुर, जो इसकी प्रभारी रहेंगी, साइबर सेल रहेगा इसमें, और तीन महिला आरक्षक सहित महिला अधिकारी भी इसमें शामिल की गई हैं, जो अन्य छात्राओं से बातचीत करेंगी और 7-7 दिन में रिपोर्ट देंगी सरकार को। इसकी मॉनिटरिंग खुद रीवा के जो आईजी हैं महेंद्र सिंह सिकरवार वो करेंगे, और इस मामले में सीएम ने कहा है कि गंभीरता से कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, आरोपियों को बख्शा नहीं जाए किसी भी तरह से। पास्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाए, तो विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, और भी छात्राओं से बातचीत की जाएगी। एसआईटी उसमें इन तमाम छात्राओं से चर्चा करेगी, किस तरह से ऐप के जरिए महिला बनकर ये लोग बात करते थे और स्कॉलरशिप दिलाने के बहाने छात्राओं को बुलाते थे और उनके साथ दुष्कर्म करते थे। तो ये घटना किस समय से चल रही है, और कौन कौन सी छात्राएँ इसमें पीड़ित हैं उनके बारे में पता लगाया जाएगा। तो ये तमाम जो बड़ी घटना है, एक बड़ी गंभीर घटना है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई, जिसका आपने जिक्र किया। विपक्ष ने भी एक मांग की थी कि गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए एसआईटी गठित की जाए। मुख्यमंत्री ने भी इसमें निर्देश दिए हैं और बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लगातार उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है, इस टीम में एक साइबर अधिकारी भी जोड़े गए हैं जो पता करेंगे और किस लोगों को फ़ोन लगाया है, जो फ़ोन कॉल डिटेल निकाली जाएगी, और ऐप के जरिए कब से ये लोग काम कर रहे हैं, अभी तक जो आया है कि 1 महीने से ऐसा कर रहे हैं, ये उन्होंने आरोपियों ने खुद बताया। लेकिन पुलिस को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ 7 छात्राओं के साथ ही उन्होंने इस तरह का दुष्कर्म किया है, और भी मामले और भी छात्राएं इसमें शामिल हो सकती हैं, जो या तो बदनामी की वजह से या किसी अन्य कारण से अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। तो वो तमाम छात्राओं से जो हॉस्टल में रहती हैं उनसे बात करेंगे, किन किन लोगों को इनने फ़ोन लगाया था ये भी तस्दीक की जाएगी, और ये देखा जाएगा कोई किसी की मिली भगत तो नहीं है इसमें, खासकर छात्रावास के स्तर पर इसकी भी बात की जाँच की जा रही है। पारुल, बिल्कुल, इस पर आर्थिक सहायता देने की भी बात कही जा रही है उच्च स्तरीय जाँच के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इस तरह के काम करने वाले हों बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री भी ये कहते हुए नजर आए, विशेष टास्क फोर्स गठित करने की बात। लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग अभियान, अलग अलग एनजीओज और आप खुद इस तरह के मामले जब ब्लैकमेलिंग के सामने आते हैं तो जागरूक होने के लिए कहा जाता है। यहाँ आपको लगता है कि ये बच्चियाँ जो थीं, जो स्टूडेंट्स थीं, ये जागरूक नहीं थीं, पढ़ाई भी कर रही थी लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे किसी लालच में कैसे आ सकती हैं बगैर ये जाने कि आप सही शख्स के संपर्क में हैं कि नहीं है? ये इस एंगल से अगर इसे और भी जानने की कोशिश करें तो आप क्या मानते हैं?
निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि अब तक ठगी के मामले होते थे कि या तो फर्जी कॉल करके या इस तरह से ऐप के माध्यम से आपको ठगने की कोशिश की जाती थी। ये ठगी का मामला नहीं है, ये एक तरह से दुष्कर्म का मामला है कि छात्राओं को आप झांसा देके अपने पास बुला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, पुलिस विभाग को भी, हॉस्टल से लेकर जो स्कूल हैं जहाँ पर छात्राएँ जाती हैं या विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं या कॉलेज हैं, वहाँ पर एक बाकायदा प्रशिक्षण शिविर चलाना चाहिए, क्लास ली जानी चाहिए किस तरह से आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। यदि आपको इस तरह के कॉल आते हैं किसी के नाम से तो आप उसको डिस्कनेक्ट करके आप नंबर लगा सकते हैं। यदि आप नंबर लगाएंगे तो फर्जी कॉल पर निश्चित तौर पर कोई रिसीव नहीं करेगा, वो कॉल आप लगा नहीं पाएंगे या लगेगा ही नहीं आपको। तो इस तरह की जागरूकता की भी ज़रूरत है, चाहे सामाजिक स्तर पर इसमें जागरूकता होना चाहिए, परिवार स्तर पर भी इसमें जागरूकता होना चाहिए और जो पुलिस महकमा है, सरकारी संस्थान हैं, उनको भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। तो जो गंभीर अपराध हुआ है उस पर अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि बाकी के अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने से डरें। तो इस तरह से दोनों ही, मुझे लगता है कि दोनों ही दिशा में काम होनी चाहिए। एक तरह तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो एक मैसेज दे सकें अपराधियों को, यदि कोई गलत काम करेंगे आप भविष्य में आपके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होगा, किस तरह से आपको कानूनी झमेले में आप फंस सकते हैं और सख्त कार्रवाई हो सकती है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे बुलडोजर चलाने की बात है, जो एक संकेत देने की एक प्रतिक्रिया होती है कि आप बुलडोजर इसलिए चलाते हो कि दहशत का माहौल अपराधियों में पैदा हो सके। दूसरी तरफ मैंने जो कहा कि इस तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं, लोग नए नए तरीके से अपना रहे हैं, तो लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है और उसके लिए जागरूक करने की जरूरत है। हम देखते हैं एडवाइजरी जारी कर देते हैं साइबर सेल और उसमें ही एडवाइजरी जारी करने के बाद वो इत्रिशील कर देते हैं, जबकि इसका अलग अलग तरीके से, चाहे वो स्कूलों के माध्यम से हो, शिक्षण संस्थानों के माध्यम में, कोचिंग संस्थानों में भी इसके जागरूकता के प्रयास किए जाना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस किया जाना चाहिए, खासकर महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, कि इस तरह के झांसे में किसी में ना फंसे कि वो किसी अपराध में लिप्त हो जाएं या अपराधी अपराध का शिकार हो जाएं। तो इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है और इस दिशा में कदम बढ़ाया जाना चाहिए। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो इस दिशा में वाकई कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और हम जब इस दौर में हैं, सदी में हैं, जब तकनीक आपके हाथ में है, आपका मोबाइल आपके हाथ में, आप हर छोटी बड़ी ऐसी खबरों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है कि जब आप सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं, इस तरह के झांसे में आ जाते हैं जो आपको फेक तरीके से आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको इस तरह की घटनाओं का शिकार आप हो जाते हैं, तो यहाँ पर जागरूकता की भी आवश्यकता है और एक नज़ीर पेश करने की भी ज़रूरत है सरकार की तरफ से कि टीम गठित हो, उनको खोज निकाला जाए, कौन है वो जो, कौन ऐप डेवलपर्स थे जिन्होंने उस ऐप को बनाया था, कौन है इन सब के पीछे। और आदिवासी बच्चियों के साथ इस तरह की जो घटना हुई है वाकई शर्मनाक है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और कहा है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।